दोस्तों हम लोग चलते हैं RO AR O प्रीलिम्स 2023-24 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी के आसपास, तो उसके लिए हम लोग ध्येय IAS की एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। ये हमारी ध्येय IAS की, मेरे भाई, ये पहली टेस्ट सीरीज है। यह जो है टेस्ट सीरीज हमारी सामान्य अध्ययन और उसके साथ करंट अफेयर, यानी ये फुल टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको जितने भी प्रश्न हैं सब मिक्स प्रश्न हैं मेरे भाई, मिक्स प्रश्न है। मिक्स प्रश्न का मतलब इसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स सभी टॉपिक से आपको जो है यहाँ सवाल मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर, देखते हैं क्या कह रहा है पहला प्रश्न। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको हर एक सब्जेक्ट से प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ। तो देखते हैं हम लोग क्या है पहला प्रश्न। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है हमारा कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए मेरे भाई, हम लोग पहला कथन अगर पढ़ें तो क्या कह रहा है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी अपने कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसी एक्ट यानी पीट्स इंडिया एक्ट जो 1784 था, इसी के द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूरा कंट्रोल हो गया था। तो ये बिल्कुल सही ये कथन है। दूसरा अगर हम लोग पढ़ें तो कह रहा है, इसी एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को, मद्रास एवं बम्बई गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। मेरे भाई इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? यह पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत नहीं, बल्कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था, इसलिए यह दूसरा हमारा गलत हो गया। तो इस हिसाब से हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल कथन ए सही है। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे पर क्या कह रहा है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं मेरे भाई, आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और इसका एक बार जरूर मंथन करिए, आने वाले एग्जाम में इसको आपको अवश्य इसका लाभ देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था, यानी ऐसे आपको एक व्यक्ति की बात कर रहा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। तो ये बात कर रहा है मेरे भाई लॉर्ड कैनिंग की, लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग मेरे भाई भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, और उसके बाद जब 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 का, तो उसके बाद जो है कंपनी का अधिकार जब चला गया, वहाँ की सरकार ने ले लिया, तो इसे जो है इसी व्यक्ति को जो है भारत का पहला वायसराय बनाकर भेजा। तो यही है ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग तीसरे प्रश्न पर। क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, देखिए क्या कह रहा है। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुमेलित है? तो कौन सा कथन सुमेलित है ये गलत दे दिया मेरे भाई, इसमें इसको देना चाहिए था कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तब ये सही होगा। तो मेरे भाई देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये लियाकत अली वित्त मंत्रालय इनको मिला था, ये तो सही है। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला था, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय। ये जो जोगेंद्रनाथ मंडल हैं ये गलत है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाए। क्यों? जोगेंद्रनाथ मंडल को जो है ये विधि मंत्रालय मिला था। कौन मंत्रालय? विधि मंत्रालय। तो आप सोचते होंगे रेल मंत्रालय किसको मिला था? रेल मंत्रालय मिला था अरुणा आसफ अली को। तो ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। तो साथियों हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा, देखते हैं क्या है इसमें। करा है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सी 8वीं अनुसूची से संबंधित है? तो हमें पता है मेरे भाई 8वीं अनुसूची में क्या होता है, जो मान्यता प्राप्त भाषाएं होती हैं वो रखे जाते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से मेरे भाई 8वीं अनुसूची में जो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, कौन? सिंधी भाषा, यानी ये सही हो गया, ये तो आप कथन एक सही है। दूसरा कह रहा है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, मेरे भाई इसके माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये तीन भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ये भी सही है। और अगर हम लोग बात करें कथन तीन का, तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से मेरे भाई ये बोडो, डोंगरी, मैथिली और ये संथाली, ये चार भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, यानी तीनों सही हैं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे, पाँचवा देखते हैं क्या है। पांचवां देखें हम लोग क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है? तो कौन सा आयरलैंड के संविधान से ग्रहित किया गया है, ऐसे हमें पता है,
डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निदेशकता तो ये भी है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ये भी है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है, यानी ये तीनों जो हैं ये आयरलैंड से हैं। और ऑप्शन नंबर ए जो है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये जो है मेरे भाई साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। संविधान में संशोधन और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये सब साउथ अफ्रीका से हैं, ये आयरलैंड से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए हम लोग छठवें पर, छठवें में क्या कह रहा है, छठवां प्रश्न कह रहा है मेरे भाई हड़प्पा काल के निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी, कौन सी नदी सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी। तो मेरे भाई देखें, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे अवस्थित था, रावी। कालीबंगा ये जो था मेरे भाई ये घग्घर नदी के किनारे था अवस्थित। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे, ये भोगवा नदी किनारे अवस्थित था। ये रोपड़ जो है मेरे भाई यही सतलज नदी के किनारे अवस्थित था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ये सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे, सातवें में देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का तो चिनाब में था मेरे भाई, सभी को पता है झेलम, सिंधु, गंगा। गंगा नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आठवां हम लोग देखते हैं क्या है आठवें में। अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग, कौन सा ऐसा निर्वाचन है जो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है। हमें पता है मेरे भाई जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं, जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, भारत निर्वाचन आयोग के तहत नहीं। तो पंचायत, पंचायत का निर्वाचन जो है राज्य निर्वाचन आयोग के तहत करवाया जाता है, भारत निर्वाचन आयोग के तहत नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नौवां देखते हैं, तो देखिए नौवां बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मैचिंग वाला है, मैचिंग सवाल गलत नहीं होते, हम सबके मैचिंग वाले सवाल बहुत बढ़िया है। क्या है देखते हैं, एक तरफ अनुच्छेद दिया है और दूसरी तरफ उसे संबंधित जो प्रावधान दिया है। तो देखिए ये 371 झ है, तो झ को हम लोग ये इंग्लिश में अगर कहें तो 371 आई, झ की जगह आई लिख लेते हैं। तो ये आई जो है ये गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, और 371 ज जो है इसे हम लोग यच कर लेते हैं, यच है। तो यच जो है 371 एच अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध है, ये हो गया। और हम लोग ये देखें जो है ये 371 छ जो है ये मिजोरम के संबंध में है, ये मिजोरम के संबंध में जी, यहाँ छ का मतलब यहाँ जी है और घ का ये है डी। तो और ये जो है आंध्र प्रदेश संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा फिट बैठ रहा है, तो ये होगा। चलिए हम लोग हमारा नौवां प्रश्न होगा, हम लोग दसवें पर चलते हैं। क्या है हमारा दसवां प्रश्न, सभी किस प्रश्न है मेरे भाई, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या है पहला कथन, क्या है राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कथनों पर हमें विचार करके बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही, ये तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने अवधि तक कार्य कर सकता है, तो बिल्कुल सही, ये तीनों के तीनों कथन सही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सत्य है। 11वां देखें हम लोग, क्या कह रहा है 11वें में, कथनों पर विचार करना है और विचार करके हमें सत्य कथन को बताना है। तो ये कथन एक कह रहा है कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, यस सही है। अनुच्छेद 61 क्लॉज 1 यानी आर्टिकल 61 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर महाभियोग चलाया जाता है, तो बिल्कुल सही, यही इसी के आधार पर चलाया जाता है। तो हमारा दोनों कथन सत्य हैं, सी। आगे चले हम लोग 12 देखते हैं, 12 वाले में देखें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों से संबंध में सत्य नहीं है, यानी वो कथन मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड नहीं है, वो दूसरा है, तो ये हमें बताना है।
तो मौलिक कर्तव्य, हमें पता है मौलिक कर्तव्य जो है आर्टिकल जो है 51A में है, भाग चौथे ए में। तो आगे मैं ये पहला जो प्रश्न कह रहा है ये कह रहा है कि यह मूल संविधान का हिस्सा है। ये भाई बिल्कुल गलत, यही गलत है, मैं पहले ही देख गया, क्योंकि यह मूल संविधान में यह मूल मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये जो है 51 आर्टिकल जो 51 है इसमें ये जोड़ा गया है भाग 4A में, ये वाला 12वां का हमारा ये हो गया। तो हम सभी को पता है ये कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। कहाँ से लिया गया है ये आप सबको पता होगा, कहाँ से लिया गया है ये, जो वर्तमान रूस है ये वहाँ से लिया गया था। आगे देखें हम लोग 13वें में क्या कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी किस रिट के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटने के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है। तो ऐसा कौन सा रिट है जो अपने नीचे की अदालतों को ऊपर में यानी भेजने की जो है ये होता है, ऐसा प्रावधान है। तो मेरे भाई ये उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में क्या होता है, वह नीचे के मामलों को जो है यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा ये रिट जारी किया जाता है कि उन निचली अदालतों के मामलों को उठाकर जो है ऊपरी अदालतों में किया जा सकता है। आगे देखें हम लोग 14वां में देखेंगे इसमें क्या है। कह रहा है कि अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। तो अखिल भारतीय अनुच्छेद 312 के तहत जो राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन करती है तो वह कैसे करती है? तो दो तिहाई बहुमत के द्वारा, एक तिहाई बहुमत, दो तिहाई बहुमत, कि सामान्य बहुमत, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई दो तिहाई बहुमत, दो तिहाई बहुमत के तहत ये राज्यसभा जो है कोई एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। चलिए हम लोग 15वां पे देखते हैं क्या है 15वें प्रश्न में। तो हम आ गए हैं 15वें पर, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि कौन सी एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो इसमें चार कथन दिया है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा कथन है जो नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP के अंतर्गत वो नहीं आता है, ये हमसे पूछ रहा है इसमें। तो मेरे भाई देखिए, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, तो ये तो है DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये सम्मिलित है। 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को शिक्षा का उपबंध है, तो ये मेरे भाई नहीं है, ये जो है एक मूल अधिकार में है, हमें पता है आर्टिकल 21A में ये प्रावधान है, तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ये DPSP में नहीं आता, बाकी सब DPSP में है। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 16वें में, तो 16वें में क्या कह रहा है। एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है, इसे पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो देखें कथन क्या कह रहा है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्श होता है। तो मेरे भाई जो है ये गलत है, पूर्णकालिक विधि परामर्श नहीं होता है, यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है, तो ये गलत हो गया हमारा। ये कारण क्या कह रहा है, इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी इसको जो वेतन मिलेगा पेंशन मिलेगा वो संविधान में नहीं है, यह राष्ट्रपति डिसाइड करता है, तो यानी ये गलत हो गया, ये सही है दूसरा वाला। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी सही है 16 वाले का। तो आगे हम लोग चलें, ऐसा ये 76 में कहा गया है ये वाला। तो आगे चले हम लोग 17वें में, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या कह रहा है। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो मेरे भाई 11वीं अनुसूची में वर्णित तो कुल 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति दिया गया है। तो आगे देखें 18वें, किसी एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह वर्णित है, यानी किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 153
अनुच्छेद 153 का है, ऑप्शन नंबर ए। 19 देखते हैं क्या है, देखते हैं 19 में देखिए क्या कह रहा है। सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था, ये क्या था? बरीद ए मुमालिक जो है ये क्या था सल्तनत काल में? तो मेरे भाई बरीद ए मुमालिक जो है ये एक गुप्तचर विभाग था, यानी खुफिया एजेंसी जो आज होती है उस टाइप का एक विभाग था, ऑप्शन नंबर ए। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अश्वशाला ये जो होती है आपको पता है, ये जो है एक घोड़े का जो मुखिया होता था घोड़ों का, उससे जो संबंधित था। तो 20वां हम लोग देखें, तो इसमें क्या कह रहा है 20वें में, थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है 20वें में, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इस नहीं पर ध्यान जरूर दिया करिए, तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है इसे हमें बताना है। तो देखिए मेरे भाई शाहनामा जो लिखा था पुस्तक, एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ लेखक का नाम है। तो यह शाहनामा जो है फिरदौसी ने लिखा था। कृष्ण विजय को किसने लिखा था? मालाधार बसु ने, ये भी सही है। तहकीक ए हिंद अलबरूनी ने लिखा था, और इसमें रेहला को कह दिया है उतबी ने लिखा था, ये मेरे भाई गलत है। ये जो रेहला को इसमें लिखा गया था मेरे भाई, आप सबको पता होगा इब्न बतूता लिखा था इसे, इब्न बतूता आप लोग सुने होंगे नाम, तो यही लिखा इब्न बतूता लिखा था। तो ये उतबी को कौन लिखा था? तो किताबुल यामिनी ने लिखा था, किताबुल यामिनी। तो चले हम लोग, हमारा उत्तर क्या होगा? ये गलत है, डी। 21 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया है? यानी दिए हुए ऑप्शन में तीन का निर्माण शाहजहां ने करवाया है, एक का शाहजहां ने नहीं करवाना है, उसी को हमें बताना है कौन सा शाहजहां नहीं करवाया। ताजमहल शाहजहां, लाल किला शाहजहां, जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां, ये सब शाहजहां, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये आगरा पोर्ट जो है मेरे भाई, यह जो है अकबर ने बनवाया था, ये शाहजहां ने नहीं बनवाया था, तो याद रखिए। आगे चलते हैं हम लोग 22वां में, देखते हैं क्या है 22 वाले में क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके इसे एक ऑर्डर में सेट करना है, कालक्रम में। तो इसे हमें कालक्रम में बताना है कौन कहाँ, मतलब कौन सी ये दिए हुए ये कथनों में इसको सेट करना है, ऑप्शन में कौन कौन कब हुआ था। तो देखिए सबसे पहले हम बता दें, देखिए यहाँ पर जो सोशल सर्विस लीग, ये जो सोशल सर्विस लीग है मेरे भाई, 1911 में हुआ था ये, इसका गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का आप सबको पता होगा 1923 में असहयोग आंदोलन जब फेल हो गया था, गांधी जी ने रोक दिया था चौरी चौरा का, तो उसके बाद ये इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में इसका हुआ था। और नौजवान सभा, ये जो इसमें नौजवान सभा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर न लिखूँ आपका मिट जाएगा, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये जो नौजवान सभा है इसकी 1900। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑर्डर सेट हो रहा है? तो सबसे पहले कौन हुआ होगा मेरे भाई, इसमें आप बता दीजिए। सबसे पहले इसमें जो हुआ होगा ये 1923 वाला, ये 1905 1923, सबसे पुराना इसमें कौन है, सबसे पहले कौन हुआ होगा इसमें? तो देखिए 3 वाला 1923, ये द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये 1905 में, हाँ 3 वाला सबसे पहले ये 3 हुआ, फिर एक नंबर हुआ जो 1911 में, फिर ये 2 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सेट है। 23वां हम लोग देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया था? हमें पता है मेरे भाई जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय अंग्रेज़ों ने तो एक हंटर आयोग बैठाया ही था, उसमें कांग्रेस ने भी अपना एक जो है जांच कमेटी बैठाई थी जिसका नाम रखा था तहकीकात कमेटी। इसका जो है अध्यक्ष बनाया गया था मदन मोहन मालवीय को, ऑप्शन नंबर सी। 23वां का हमारा उत्तर ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं 24वें पर, 24वें देखते हैं क्या है, देखते हैं, देखिए 24 में क्या कह रहा है। कथन दिया है, कारण दिया है, उसे हमें उत्तर बताते हैं उसी के आधार पर। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। यस, इसने जो है
समाचार पत्रों से काफ़ी प्रतिबंध को हटाया था, चार्ल्स मेटकॉफ। इसका नाम भी कॉफ में माफ की तरह लग रहा है, तो आप लोग समझ जाएगा ये समाचार पत्रों को कई सारे उनको माफ़ किया था उनके प्रतिबंध को। कारण में कराया मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो मेरे भाई बिल्कुल इसीलिए उसको कहा जाता है लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था, इसीलिए इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये सही है। चलिए हम 22वें 25वें पर देखिए। 25वां हमारा ये मैचिंग से संबंधित है। मैचिंग का सवाल बहुत ही आसान होते हैं मेरे भाई, गलत आपको नहीं होने देता है जल्दी। तो देखिए इसमें ये जो लिखा है ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को लिखा था मेरे भाई नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें लिखा है हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर को किसने लिखा था, लाला हरदयाल ने। ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। हमदर्द को मोहम्मद अली ने। इस हिसाब से जो हमारा अगर देखें तो ए एक, बी दो और सी चार और डी तीन पे चला जाएगा हमारा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। आगे देखें हम लोग 26वां में, देखिए हम लोग 26 में क्या कर रहा है। पवनार आंदोलन, पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। पवनार आंदोलन का मेरे भाई एक दूसरा नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, जो 1940 में हुआ था। तो इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है, इसका तो उत्तर ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बारे में अगर थोड़ा जानेंगे, इसमें पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो प्रथम सत्याग्रही मेरे भाई जो है इसमें विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। और ये दूसरा जब पूछ, प्रथम में तो ये प्रथम सत्याग्रही, दूसरा सत्याग्रही पूछा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे, 27 पे देखते हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्या कर रहा है 27 में मेरे भाई, कह रहा है कि कथनों पर विचार करना है, विचार करके हमें सत्य कथन को बताना है। तो पहला कथन हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा का युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल सही मेरे भाई, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 19 के आसपास ये चला था, इसमें जो है पेशवा की हार हुई और इसमें पेशवाई पद जो था ये समाप्त हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे, बिल्कुल सही। तो ये हो गया, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हम लोग चले अगले प्रश्न पे, 28 में देखें क्या है। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालीन शासकों के युग्मों को सही सुमेलित हैं। तो एक तरफ यात्री दिए है विदेशी यात्री, और दूसरा तरफ दिया है कि वो किसके शासनकाल में आए थे, जो सही है उसी को हमें टिक कर देना है। देखो निकोलो डी कांटी यह इटली का था, यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। नुनीज यह पुर्तगाल का था, अच्युत राय के शासनकाल में आया। डोमिंगो पायस यह भी पुर्तगाल का था, यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। यानी हमारा तीनों के तीनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। आगे देखें हम लोग 29वां में क्या कह रहा है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सही सुमेलित कौन है उसे बताना है हमें। लॉयस पठार चीन में है, पोटावर पठार पाकिस्तान में, शान पठार म्यांमार में। यानी ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन हमारा सत्य हैं। चलते हम लोग 30 पे, 30वां क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी से परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो मेरे भाई हमें पता है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसमें बहुत लोगों ने अपनी जो है उपाधि त्याग दी, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, आर्यन टैगोर जो थे वो नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। और ये जो शंकर नायर थे, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है वायसराय के कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है। आगे देखते हैं हम लोग 31 में, सभी के सभी प्रश्न मिक्सटेड है मेरे भाई, आप लोग एक भी प्रश्न ना छोड़िएगा। क्या है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ यानी पॉम आयल कहा जाता है। तो अफ्रीका के किस महाद्वीप को पॉम आयल कहा जाता है ये हमें बताते हैं। केन्या, लाइजीरिया, नाइजीरिया, युगांडा, सोमालिया, किसको कहा जाता है मेरे भाई। तो ये नाइजीरिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया को।
अफ्रीका महाद्वीप में है ये। 32वां देखते हैं 32वें में हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। देखें, अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित नदियों दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित दो नदियों को नदी का नाम दिया है, कौन सा सत्य है इसे हमें बताना है। देखें, पहला दिया है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, क्या ये सही है गलत है हमारा। देखिए मेरे भाई, जो लिम्पोपो नदी है ये हमारा जो 32 में दिया है, लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, ये गलत है मेरे भाई। लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को दो बार काटती है, ये सही होगा, इसलिए यह गलत हो गया। और इसमें दिया है कांगो नदी। कांगो नदी के बारे में क्या कह रहा है मेरे भाई, कांगो नदी इसमें जो है ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है, मकर रेखा को नहीं। यही चीज़ यह उल्टा दे दिया था, उल्टा दिया होता तो सही रहता। तो ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है, तो यानी ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा, न तो एक सही है न तो दो। 33 में देखते हैं, अर्जेंटीना में स्थित एक चाको का मैदान है, प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी अर्जेंटीना का ये चाको का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कपास के लिए, यहाँ कपास होता है बहुत ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए। 34 में देखें, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है, यानी दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ है मेरे भाई, न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड के बारे में ये है यहाँ पर। आगे देखें हम लोग, 35 में क्या कह रहा है, 35 में मेरे भाई ये कह रहा है, एक कथन दिया है दूसरा कारण दिया है, उसे हमें बताना है कौन सा सही है गलत है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं, तो बिल्कुल सही मेरे भाई, अपना जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर ये मतलब टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा विषमता पाई जाती है, गर्मी ठंडी बरसात, क्योंकि यहाँ भूभाग ज़्यादा है जल कम है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जल की भाग अधिकता है मेरे भाई, ये गलत है। अभी मैंने बताया ऐसे अपना जो पृथ्वी है ये विषुवत रेखा के ये नॉर्थ ये साउथ, ये उत्तर में जो है भूभाग ज़्यादा है और साउथ में जल ज़्यादा है, तो ये कारण गलत दे दिया, उत्तर में जल भाग की अधिकता नहीं है बल्कि जो है उत्तर में स्थल की अधिकता है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा कौन सा सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। 36 देखते हैं हम लोग, 36 में क्या है, कह रहा है कि क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। तो क्षोभ मंडल के संबंध में बताना है कौन सा सही है। संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं, जेट स्ट्रीम्स क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, सभी कथन सत्य हैं मेरे भाई, सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। जो क्षोभ मंडल होता है मेरे भाई, इसी में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरा ओस ये सब इसी में होता है, जेट स्ट्रीम और वायुमंडल की सबसे निचली परत भी है, तो सभी कथन सही हैं। 37 में देखते हैं, 37 क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है, बताना है असत्य कथनों को, बताना है कौन सा कथन गलत है इसे हमें बताना है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि विषुवत रेखा पर कोरियोलिसिस बल का अभाव होता है, विषुवत रेखा पर कोरियोलिसिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है, यानी मैक्सिमम। विषुवत रेखा में पता है ये पृथ्वी हो गई, ये विषुवत रेखा, इसी विषुवत रेखा पर जो कोरियोलिसिस बल होता है उसका प्रभाव मैक्सिमम होता है, तो ये हो गया, ये भी सत्य है हमारा। दूसरा कह रहा है ध्रुवों पर कोरियोलिसिस बल का प्रभाव न्यूनतम होता है, जब यहाँ पर ज़्यादा है तो ये ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, मिनिमम, तो बिल्कुल दोनों सत्य हैं। तो इस हिसाब से हमारा गलत कोई नहीं है, दोनों सत्य हैं, तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। 38 देखते हैं क्या है, कथन कारण का है। कथन कारण टाइप के प्रश्न आर ओ ए आर ओ में या पी सी एस में आपको ज़्यादा मिलेंगे। क्या है इसमें, नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया, यानी कथन कारण वाला सवाल इसमें भी आ गया। तो चिनूक को हिमभच्छी पवन कहा जाता है मेरे भाई, यस बिल्कुल, जो चिनूक जो है ये एक प्रकार का ये जो कह सकते हैं लोकल हवाएं हैं, ये हवा जब चलती है ना तो बड़े बड़े बर्फ़ के जो मैदान होते हैं वो पिघल जाते हैं और वहाँ का जो है घास वो सूखने लगती हैं, जिससे पशु को जो है चारा मिल पाता है, जिससे पशु जिंदा रहते हैं, इसलिए चिनूक को हिमभच्छी कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? यह पवन शीतकाल में अधिकतर समय में बर्फ़ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं के लिए उपयोगी बनाए रखती है। यस, यही मैंने बताया अभी। तो दोनों कथन सत्य हैं हमारा, यानी ए सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। 39 देखते हम लोग। हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है? तो हिमालय निम्नलिखित में से कौन सा है इसका प्रादेशिक भाग सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है? तो मेरे भाई पंजाब का हिमालय या सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। 39 के बाद हम चलते हैं 40 पर। देखिए क्या है 40 में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी होती है, ये तो हमें पता है, बता भी दिया। यह कहाँ स्थित है अनाईमुड़ी? दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ये है, ये कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट में बताइए। आगे देखते हम लोग। यूरोप के कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? यानी यूरोप के ऐसे कौन से जो देश हैं जो उनको मिलाकर उसको आइबेरिया बोला जाता है, यह बताना है। तो मेरे भाई स्पेन एवं पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर ए, इसे जो है मिलाकर जो है ये आइबेरिया बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 42 में देखें हम लोग क्या कर रहा है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधित अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और सुरक्षा का अधिकार किसमें दिया गया है मेरे भाई? ये तो आप लोग जब मूल अधिकार पढ़े होंगे तो उसमें एकदम सिंपल सा है, इसमें कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। तो ये अनुच्छेद 29 में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे। कथन कारण वाला है मेरे भाई, बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों से आप उबना मत, क्योंकि जितना आएंगे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। एक कथन है, दूसरा कारण है। कथन में कराएं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। 43वां का ये प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। किसी थोड़ा सा हम लोग इसको पहले बड़ा करते हैं, छोटा, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। अब सही है। कथन कराएं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। तो नहीं मेरे भाई, ये गलत है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये गलत हो गया, ये राष्ट्रपति अपने मनमानी तरीके से नहीं हटा सकता। कारण, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जा सकता। तो केवल हमारा डी हो जाएगा, ए गलत है आर सही है। 45-44 में देखते हैं। 44 में क्या कह रहा है, कथनों पर विचार करना है और विचार करके हमें बताना है कि कौन सा हमारा सत्य कथन है। पहला में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। बिल्कुल, आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम एज मैक्सिमम तो निर्धारित किया गया है, लेकिन मिनिमम नहीं किया गया है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, ऐसा नहीं कर सकता वो। तो दोनों कथन सत्य है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 44 का सी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 45 वाला हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, यानी राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन किस अनुच्छेद में किया गया है मेरे भाई? तो ये किया गया है, ये अनुच्छेद 263 में, ये 262 वाला, ये जो है अंतर्राज्यीय जल नदियों का जो जल विवाद होता है, यह इसमें प्रावधान है उससे संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का, ऑप्शन नंबर बी। 46 में देखते हैं। अनुच्छेद 315 क्लॉज 2 के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो हमें पता है मेरे भाई ये कहाँ है, संयुक्त लोक सेवा, यानी मतलब एक लोक सेवा आयोग को, मतलब ये जो कह रहा है इसमें, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग या संबंधित राज्य की विधानसभा? तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे देखते हैं।
47 में देखें क्या है, कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा कथन है जो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ यहाँ प्रमुख संप्रदाय दिया गया है, एक तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं, तो ये हमें बताना है। तो देखिए, जो आजीवक संप्रदाय है इसकी संस्थापना ये मखली गोशाल ने किया था। बिल्कुल सही, ये तो सही है, ये हमारा सही है। अब जो ये देख रहा है इसमें बरकरी, बरकरी संप्रदाय का जो है ये संस्थापक नामदेव थे, रामदेव नहीं नामदेव। और ये धरकरी, धरकरी की ये संप्रदाय की स्थापना रामदास ने किया था। और यहाँ जो रामावत लिखा है इसका मतलब ये गलत है। रामावत का किसने किया होगा मेरे भाई? ये रामावत का रामानंद ने किया था, रामानुज नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसके इशार पर रामानंद, रामानंद ने किया था। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा डी सही है, क्योंकि डी वाला इसने कौन सा गलत पूछ रहा था, तो हमारा डी गलत था। 48 पे चलते हैं, क्या कह रहा है 48 में? निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंदी जनित रोग नहीं है? फफूंदी जनित रोग कौन सा एक नहीं है उसे हमें बताना है। ये 48 का हवाला है। तो मेरे भाई इसमें खसरा, खसरा जो है एक फफूंदी जनित रोग नहीं है, और बाकी जितने हैं दमा, एथलीट फूट, गंजापन, ये सब फफूंदी जनित रोग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे चलें 49 पे देखते हैं क्या है। उनचासवें वाले में देखते हैं क्या है मेरे भाई। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, जिसे BIFR कहा जाता है, इसका गठन वर्ष 1981 में किया गया था। ये तो बता दिया इसने। तो इसका जो गठन किया गया था इसका उद्देश्य क्या था, इसके उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है। ये क्यों गठित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो मेरे भाई, जिन उद्योगों के पुनरुत्थान करने के लिए, जो मतलब 1981 में इसका स्थापना किया गया था, तो ये जिन उद्योग जो थे इंडस्ट्री के जो मतलब बेकार होने के करार पर थी, उनके लिए यह किया गया था। 50वां देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कथनों पर विचार करना है, विचार करके हमें एक कथन को चुनना है। तो भारत में सर्वाधिक ज्योतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। बिल्कुल सही मेरे भाई, एकदम सही कह रहा है, सीमांत प्रकार की है भारत में सबसे ज़्यादा ज्योत। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। बिल्कुल सही, तृतीय में ही माना जाता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और ये भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है, ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। 51 में देखते हैं क्या कह रहा है। 51 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? तो अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले पदार्थों में उपस्थित होता है, तो ये टायरोलिन, ऑप्शन नंबर ए, यही उपस्थित होता है। तो टायरोलिन हमें पता होता है, ये एक महत्वपूर्ण होता है, ये टायरोसिन, ये पूर्वता ऐसा होता है, टायरोलिन में रहता है, जैसा रोगी या दुखी टाइप का दिखता है। तो चलिए हम लोग 52 में देखते हैं क्या है। देखें, एक तरफ विटामिन दिया है, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ विटामिन, एक तरफ उसका रासायनिक नाम, तो ये कौन सा गलत है उसे हमें बताना है। तो विटामिन 5 जो है मेरे भाई, विटामिन B5, ये पैंटोथिनिक अम्ल, ये सही है, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें 52 वाला हमें, हमारा पहला जो कथन ये सत्य है। और ये जो दूसरा कह रहा है विटामिन B9, ये फोलिक अम्ल होता है इसमें, ये तो सही है। विटामिन B12, ये साइनोकोबालमिन, और विटामिन B2 जो होता है ये फिनोको, ये जो ये इसमें गलत दिया है, इसमें फिलोक्विनोन, ये ऑप्शन नंबर डी, ये गलत होगा। क्यों गलत है? इसमें विटामिन B2 का जो नाम है मेरे भाई, ये राइबोफ्लेविन नाम होता है इसका, राइबोफ्लेविन, तो ये फिनोक्लोविन नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी सत्य है। 53 में देखते हैं क्या कह रहा है। 53 निम्नलिखित में से एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार पर नहीं है, यानी ऐसी तीन नदियां हैं जिसका उद्गम मैकाल पठार पर होता है और एक का नहीं है मैकाल पठार पर, उसी को हमें बताना है। तो पहले आप ये जान लीजिए मैकाल का पठार कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। तो कौन सा मैकाल पठार पर किस किस नदी का उद्गम नहीं है, ये तो आप लोग जानते हैं, ये गोदावरी का, इसका महाराष्ट्र के नासिक से उद्गम होता है, बाकी इसका सब मैकाल पठार में।
तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे। 55 54 पे चौवन में देखें क्या कह रहा है। एक कथन दिया है, दूसरा कारण दिया है और हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से उपयोग किया था। मेरे भाई गलत, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी जो है जो लंग्स होते हैं उनको देखने के लिए हमें अवतल दर्पण जरूरत पड़ती है। अवतल दर्पण जो होता है वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो ये गलत हो गया हमारा। उत्तल दर्पण के पास स्थित वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब देता है, तो ये भी गलत है हमारा। जो उत्तल दर्पण है वह जो है पास स्थित वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब नहीं छोटा प्रतिबिंब देता है। तो इसका मतलब हमारा ये दोनों कथन गलत हैं। तो उत्तल दर्पण सॉरी ये जो कारण है ये सही है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ना कह रहा है पास के स्थित वस्तुओं को बड़ा दिखाता है, लेकिन थोड़ा सा दूर होता है तो बहुत छोटा दिखाने लगता है। तो ये कारण सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत लेकिन आर सही है। 55 देखते हैं। 55 में करा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक गलत है। एक तरफ प्रमुख स्थल दिया गया है और उसकी एक तरफ लोकेशन दिया गया अवस्थिति। तो ये हमें बताना है कौन सा गलत है, इसको हमें बताना है। तो देखिए हम लोग ओपेरा हाउस सिडनी में है, काबा मक्का में है। काबा मक्का दोनों एक तरफ का इसका दोनों टोन एक ही तरह लग रहा है। ग्रांड कैनान ये अरिजोना में है। ये तो मान लीजिए हमें नहीं पता था, इतना कोई याद थोड़ी ना रखेगा। लेकिन ये जो ये फेमस पैलेस है मर्डेका पैलेस, ये मिस्र में दे दिया है। ये मिस्र में नहीं होगा मेरे भाई। ये जो मर्डेका पैलेस है यह इंडोनेशिया में है। कहाँ? इंडोनेशिया के जाकार्ता में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत था, तो हमने ये बताया। 56 में क्या है? 56 में देखते हैं हम लोग क्या दिया है मेरे भाई। थोड़ा सा हम लोग, हाँ आप सही है। एक तरफ कथन दिया है और दूसरी तरफ कारण, और इसको हमें बताना है कौन सा सही है। आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है, बिल्कुल सही, बच्चा बच्चा जानता है। कारण, इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है, बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं और उसका आर उसका कारण भी स्पष्ट कर रहा है। 57 देखते हैं हम लोग। 57 में क्या कह रहा है कि कथनों पर विचार करना है, विचार करके हमें बताना है सत्य कथनों का चयन करना है इसमें। तो पहला कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन से होता है। बिल्कुल मेरे भाई, हमारे पास जो प्रकाश आता है इसमें सूर्य में जो है सूर्य का प्रकाश जो है ऊष्मा का स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। यानी हाइड्रोजन सभी जो हाइड्रोजन होते हैं हीलियम में कन्वर्ट होते हैं नाभिकीय संलयन के माध्यम से, और वहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो यानी इसका इससे कुछ कारण नहीं बन रहा है, लेकिन दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं। 58 देखते हैं क्या है। 58 में लिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करके हमें बताना है कौन सा सत्य कथन है। स्थली पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। स्थली पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, एक ये दिया है हमारा, जो कि ये सही भी है। स्थली पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड सीधा होता है, सही है। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, बिल्कुल सही। एक जली पारिस्थितिकी तंत्र यानी जैसे तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, यानी यह ऐसे होता है। तो ये मतलब ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है। 59 में देखते हैं क्या कह रहा है। 59 वाले में कह रहा है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसके अपवाद है। तो मेरे भाई ऐसा बताया गया है हमारे संविधान में, लेकिन इसका अपवाद कौन है। तो गोवा भी है, गोवा में भी बहुत कम है। सिक्किम भी बहुत कम है, हमी को पता है सिक्किम में भी नहीं है। और ये जो मिजोरम है, ये दो तो कंफर्म है, एक और तीन जिसमें होगा वही सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है 59 का ये हमारा जो ये है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि एक और ये हमें कंफर्म था तो ये ऑप्शन में होना चाहिए। तो केवल एक तीन इसी में था और किसी में नहीं। तो यानी त्रिपुरा में
जो है इसका अपवाद नहीं है, बाकी तीनों इसका अपवाद है। आगे देखते हैं हम लोग 60 में, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि पर भारित है? तो संचित निधि पर भारित कौन सा है? भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की पेंशन, सही, राष्ट्रपति का वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, यानी जो प्रमुख पदाधिकारी ज़्यादातर होते हैं उनकी जो है जो सब व्यय होता है वो संचित निधि पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नंबर 61 देखते हैं क्या है। देखिए कह रहा है 61 में कि सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? मेरे भाई यहाँ चार कथन दिए गए हैं, चार ऑप्शन, चारों एक प्रशासनिक विभाग है, और कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा विभाग है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है, किसी और से। तो मेरे भाई दीवान ए बंदगान ये भी फिरोज शाह तुगलक संबंधित है, दार उल शफा ये भी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, दीवान ए इश्तिहाक ये भी फिरोज शाह तुगलक से ही संबंधित है, और जो ऑप्शन नंबर सी दिया है यह जो है MBT मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, यह एक कृषि विभाग था। तो ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक से नहीं बल्कि MBT से संबंधित है। तुम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं 62 में क्या है। देखिए इसमें लिखा है 62 में कौन सा एक सही सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है ये हमें बताना है। एक तरफ मत दिया है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए हैं। तो ए वाला जो दिया है विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य हैं इसके, बिल्कुल सही है। तो और दूसरा जो दिया है द्वैतवाद, ये इसके संस्थापक मध्वाचार्य हैं, भी सही है। शुद्ध द्वैतवाद ये वल्लभाचार्य से संबंधित है, यानी तीनों के तीनों हमारे सही ऑप्शन है, कोई भी गलत नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सही, सभी सही सुमेलित हैं। 63 में क्या दिया है। देखिए 63 में जो पूछ रहा है निम्नलिखित कथन विचार करना है और विचार करके हमें सत्य कथन को बताना है कौन सा सही है। तो पहला जो दिया है हमें मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। यस, विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में है मार्कंडेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में, तो याद रखिएगा ये लोग इसे। और दूसरा दिया है कि यह मंदिर गुजरात के द्वारका ज़िले में स्थित है, बिल्कुल गलत, अभी मैंने बताया गुजरात में नहीं बल्कि यह महाराष्ट्र में है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो इस हिसाब से हमारा केवल ऑप्शन नंबर बी केवल एक कथन सही है। 64 देखते हैं क्या है। देखिए ये ट्रिकी सवाल एक होता है ना, कि अच्छा सवाल है ये, आपका कंसेप्चुअल सवाल है। मध्य भारत में निम्नलिखित में से पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? देखिए मध्य भारत की सभी चार पहाड़ियों के नाम दिया गया है, कह रहा है कि कौन सबसे पूर्व में स्थित है इसको बताना, यानी यहाँ पर। तो देखिए ये महादेव, सतपुड़ा, ये तो मध्य प्रदेश की साइड है, ये सब तो नहीं होगा, मध्य प्रदेश के पश्चिम में हो गया। ये जो मैकाल पहाड़ियाँ हैं यह छत्तीसगढ़ में है, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर है, यह है ये जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, थोड़ा बिहार इस साइड है, यानी यही सबसे जो है पूरब में होगा। तो सबसे पूरब में यही है, ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, यही उत्तर है। आगे देखते हैं हम लोग 65 में। देखिए एक तरफ यहाँ दिया है कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ दिया है इसकी अवस्थिति, इसका लोकेशन, और पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है इसे हमें बताना है। देखिए ये क्वेश्चन अभी थोड़ा गड़बड़ी है, ये तलचीर जो है ये ब्राह्मणी नदी घाटी पर अवस्थित है, यहाँ ए भी गलत दे दिया है, ये ब्राह्मणी नदी पर होगा और कहीं कहीं पर ये महानदी लिख देता है, लेकिन महानदी सही नहीं है, ब्राह्मणी नदी घाटी पर होना चाहिए। और ये जो सिंगरौली है ये नर्मदा घाटी नहीं बल्कि ये मध्य प्रदेश में MP में ही एक सोन नदी घाटी है, ये वहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर होता है। तो ये है, इस हिसाब से ये गलत है और ये भी तो गलत है, लेकिन ये कहीं कहीं लिख देता है और ये सब जो है सही सुमेलित है। आगे चले हम लोग देखते हैं 65 में क्या है। 65 सभी के सभी प्रश्न यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इसे पूरा वीडियो को अंत तक देखें और इसका मंथन करें, एक बार ज़रूर करें। देखें क्या है हमारा 66 में। देखें यहाँ पर जो दिया है करा है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे करें, अब सही है। देखिए ये जो यहाँ दिया है हमारा करा है पावना विद्रोह, संथाल विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, एक आंदोलन,
और इनको एक कालक्रम में सजाना है, और कालक्रम में सजा के बताना है कौन सी, मतलब पहले हुई, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद कौन। देखिए ये हमारा जो पावना विद्रोह है, पावना विद्रोह हुआ था ये 1873 में, 1873 में ये हुआ था, 73 से लेके ये 85 तक चला था। ये तो ये हो गया। संथाल विद्रोह आप लोग को पता होगा 1856 में, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में हुआ था, 1914 में, एका आंदोलन 1921 में। तो ये 21-22 में, कहीं 21 है कहीं कहीं 22। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे सबसे पहले कौन हुआ, सबसे पहले ये ताना भगत वाला हुआ था, यानी तीन वाला, तीन एक नंबर पे रहना चाहिए। तो ये ताना भगत 1914 में हुआ था, नहीं सॉरी यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया, सबसे पहले यहाँ पर ये है पावना विद्रोह 1856, ये संथाल विद्रोह। तो पहले हमें दो नंबर पर होना चाहिए, दो नंबर पर कौन है यहाँ पर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी इन्हीं दोनों में से उत्तर होगा। तो सबसे पहले दो होगा, उसके बाद एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा, 2 1 3 4, ये इनका ऑर्डर है। तो हम लोग चले आगे देखते हैं। तो हमारा 67 में जो लिखा है क्या कर रहा है, कथनों पर विचार करना है, और विचार करके हमें इन चारों ऑप्शन में से एक को चुनना है। तो मोरीबंद डेल्टा पश्चिम बंगाल का उपविभाग है, मोरीबंद डेल्टा के बारे में पूछा, पश्चिम बंगाल का एक विभाग है, बिल्कुल सही है। टेलीग्राफ पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है, बिल्कुल सही। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। ये क्वेश्चन पीसीएस में, यूपी पीसीएस में एक बार पूछा गया है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। तो बिल्कुल सही है, तीनों कथन यहाँ पर सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीन के तीनों सत्य हैं। 68 देखते हैं क्या है इसमें। 68 में कह रहा है निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। एक कथन है, दूसरा कारण है, इसे बताना है हमें आंसर में। थोड़ा सा हम लोग छोटा करें तभी फिट आएगा पूरा क्वेश्चन, सही है। तो देखें एक कथन पहले पढ़ते हैं, क्या रहा है, सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता। बिल्कुल सही, मस्तिष्क में अगर सुई चुभाया जाना है दर्द नहीं करता, इसलिए कभी भी जो गोली वगैरह मारते हैं आप लोग, जो अगर देखे होंगे कश्मीर फाइल, उसमें मस्तिष्क में ही गोली मारता है, लोग आसानी से मर जाते हैं, दर्द फील नहीं होता। कारण क्यों, मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं यानी जो पेन एक्सेप्टर होते हैं उनका अभाव होता है। बिल्कुल सही, यही कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। तो ये जो आर है इसका ए का कारण भी। तो इस सबसे हमारा ये हो गया। आगे हम लोग देखें तो ये हमारा हो गया, हम लोग 69 देखते हैं। 69 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा कहा जाता है। तो मेरे भाई फ्रक्टोज, ये जो फल होते हैं, फल जो मीठा होता है उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, और ये जो मधुमक्खी अपना जो वो तैयार करती हैं अपना जो उसे क्या बोलते हैं उनका रेसिपी जो होता है रस, तो उनमें भी यही फ्रक्टोज होता है। तो फल शर्करा में फ्रक्टोज होता है। आगे देखें हम लोग, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में पूछ रहा है, तो ये वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, ये है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखा, तो इसके आसपास जो होते हैं यही जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, इन वनों में पृथ्वी सभी पारिस्थितिक तंत्रों में, पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही, ये जो क्षेत्र होता है यहाँ जैव विविधता बहुत अधिक, सबसे अधिक पाई जाती है। तो दोनों कथन सही हैं, सॉरी ये हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। 70 सही हैं। 71 हम लोग देखते हैं, बढ़िया सवाल, ग्रीन मफलर से क्या तात्पर्य है। हमें पता है ग्रीन मफलर क्या होता है, जहाँ बहुत ध्वनि प्रदूषण होता है वहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो ध्वनि प्रदूषण को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उन्हीं को ग्रीन मफलर कहा जाता है। जैसे हम लोग कान में मफलर लगा लेते हैं तो ठंडी हवा नहीं घुसती है, ऐसे जहाँ ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ ये पौधे लगा दिए जाते हैं, तो ये हरे पौधे तो वो वहाँ की जो ध्वनि होती है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रदूषण वातावरण में कम फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आगे देखें हम लोग 72 में,
72 में है, बेरी बेरी एक पोषण संबंधित बीमारी है, विकार है जो होता है थायमिन की कमी से, रोबोफ्लेविन कमी से, ये फ्लेवेनाइड की कमी से या फिनॉल की कमी से। मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायमिन की कमी से। तो जो थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, थायमिन पता है, थायमिन को जो है हम लोग विटामिन B1 के रूप में भी जानते हैं। आगे देखा जाए तो ये देखिए हम लोग कथन से संबंधित सवाल है। देखिए क्या है सवाल, निम्नलिखित कथनों में से सही से मिली थे, एक तरफ प्रमुख संस्थान का नाम दिया गया, दूसरा तरफ उसका लोकेशन दिया गया है, तो ये हमें बताना है यहाँ पर। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये कहाँ है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, राष्ट्रीय अस्थि रोग संस्थान, विकलांग का, तो ये हमें तीन संस्थान दिया गया है और इनको हमें मिलाना है। तो ये हमें मिलाएंगे तो देखिए कौन किस में मिलेगा यहाँ पर, तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये सिकंदराबाद में है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में, राष्ट्रीय हड्डी रोग यानी अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में, तीनों सही हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखें तो यहाँ क्या है, 74 में विचार करना है, विचार करके सही क्रम चुनना है, यहाँ पर कौन सा सही है, मतलब इसकी स्थापना के बारे में दिया है, स्थापना का सही क्रम सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद तो दिल्ली कॉलेज दिया है, मियो कॉलेज दिया है, हिंदू कॉलेज कोलकाता वाला दिया है। तो ये दो है मेरे भाई, देखिए जो सबसे पहले बता दें, जो हिंदू कॉलेज कोलकाता है ये 1817 में हुआ था, 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। मियो कॉलेज की अगर बात करें हम लोग, ये मियो कॉलेज जो अजमेर में है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी शायद हाँ 1824 में इसकी हुई थी। जो दिल्ली कॉलेज है इसकी स्थापना 1817 में हुआ था। तो ये तीनों का हम आपके सामने डेट रख दिए, तो इससे आप पता लगा लेंगे तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा, तो ये मियो कॉलेज जो है 1885 में है, सॉरी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमने, यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी कर दिया। तो देखिए जो दिल्ली कॉलेज है 1824 में दिल्ली कॉलेज हुआ था, ये जो मियो कॉलेज 1875 में, हिंदू कॉलेज जो है ये हिंदू कॉलेज मेरे भाई ये 1817 में हुआ था, 1817 में। इस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले कौन हुआ था, ये सबसे पहले हिंदू कॉलेज 1817 वाला, फिर 1824 वाला, उसके बाद 1875। तो इस हिसाब से हमारा सबसे पहले यानी तीन होना चाहिए, इस हिसाब से हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये वाला। आगे देखते हैं हम लोग 75 में देखते हैं क्या है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके बताना है कौन सा सत्य कथन है। तो मेरे भाई एक में दिया है ऑमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी यानी आसपास का क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही, ऑमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है, यस ये सही है, दोनों सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। 76 में देखते हैं क्या है इसमें, 76 में देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित कथनों दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे कारण के यानी कथन और कारण वाला है, तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, बिल्कुल सही, ये तो सही बात है, क्यों अर्धचालक होता है, अर्धचालक का मतलब ये है कि जैसे उसकी चालकता जो है चालक से कम होती है और अर्धचालक से ज़्यादा होती है, तो यही है इसकी विचार, मतलब इसका जो प्रॉपर्टीज होती है, सिलिकॉन की वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो बिल्कुल यही सही है, इसका कारण भी सही है, ए हो जाएगा इसका, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण यानी व्याख्या भी कर रहा है। 77 में देखते हैं हम लोग, ने 77 में क्या दिया है, महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवण की तीव्र गति से बढ़ती हो, यानी वहाँ लवणता, महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ लवणता भी बहुत तेज़ी से बढ़ती हो, तो क्या कहलाता है, हेलोक्लाइन कहलाता है, महासागर है उसकी गहराई के साथ अगर लवणता भी बढ़ने लगेगा तो वो उसकी हेलोक्लाइन कहा जाता है।
आगे देखते हैं हम लोग 78 में, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं? तो मेरे भाई ये फिरोज शाह मेहता, जी डी देशमुख, बदरुद्दीन तैयब जी, इन तीनों को जो है इन तीनों को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये नहीं होगा, मैंने गलत कुछ कर दिया। यहाँ पर फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, इन तीनों को जो है बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये जी डी देशमुख हैं, ये बम्बई त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये बम्बई त्रिमूर्ति क्या है? तो मेरे भाई ये एक 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन BPA इसका गठन हुआ था 1885 में, तो इसमें यही तीनों मिलकर किए थे, इसलिए इनको बम्बई त्रिमूर्ति कहा जाता है, जिसमें जी डी देशमुख नहीं थे। आगे देखते हैं 79 में, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक गलत सुमेलित है, इसे हमें बताना है। तो देखिए, एक तरफ चारागाह या हिल स्टेशन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसकी लोकेशन है, ये हमें बताना है। देखिए, बन्नी चारागाह गुजरात में है, बाग्याल चारागाह उत्तराखंड में है, ये खजियार जो हिल स्टेशन है यह सिक्किम में नहीं है, ये खजियार हिल स्टेशन ये सिक्किम नहीं है, यह बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और पहलगाम जो हिल स्टेशन है ये तो जम्मू कश्मीर में ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत दिया था। 80 हम लोग देख लेते हैं, 80 वाले में क्या है? एक तरफ कथन दिया है, दूसरी तरफ कारण। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है, यह सभी को पता है, बचपन से पढ़े हैं। कारण, सोडियम वायु में बहुत ही क्रियाशील हो जाता है, बिल्कुल सही, इसीलिए रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सत्य होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो 81 पे हम लोग चलते हैं, 81 में देखते हैं क्या है 81 में। तो 81 में कराया राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है, तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर एक। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, पूछ रहा है किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना किया गया था? 56 में, 60 में, 62 में, 58 में, इन दिए हुए ऑप्शन में हमें बताना है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो ये जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन किया गया था मेरे भाई, यह 1956 में किया गया था। कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। 82-83 में हम लोग चलते हैं, 83 में देखें क्या है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, एक तरफ रचना दिया है, दूसरी तरफ उसके लेखक का नाम दिया है। तो तबकाते अकबरी निजामुद्दीन ने लिखा है, तारीख़े यामिनी अल उत्बी ने लिखा है, तारीख़े फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। 83 का हमारा सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। 84 देखते हैं, देखिए कथन कारण वाले से आप लोग घबरा न करिए, ऐसे प्रश्न जो है जो स्टेट कमीशंस होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या है? कथन में कह रहा है एक तरफ कारण दिया है, कथन में कह रहा है धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही, एकदम सही बात है, धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति से। कारण क्या है? संविधान के अनुच्छेद 109 क्लास 1 में यह निर्धारित किया गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, यस कहा गया है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर जो है 84 वाला है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का स्पष्टीकरण यानी व्याख्या भी कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं 85 में, 85 में देखें क्या है। मैरियाना ट्रेंच सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है, यस सबसे गहरी मैरियाना ट्रेंच ही है, तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है, यस दोनों यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। 86 देखें क्या कह रहा है। शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था, तो शैली के यानी शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के
किस कवि को राजकीय कवि नियुक्त किया गया था? मेरे भाई कलीम, ऑप्शन नंबर डी, इन्हीं को शाहजहाँ ने नियुक्त किया था। 86, 87 देखते हैं क्या है। वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम मृग मरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है? तो ये आप लोग देखे होंगे, वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम मृग मरीचिका। मृग मरीचिका क्या होता है मेरे भाई? गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है मई जून की, आप लोग जब हाईवे या पक्की रोड पर जाते हैं वह रोड भीगा हुआ है, लेकिन भीगा नहीं रहता है हमारा, केवल वह दृष्टिभ्रम रहता है। तो ये क्यों होता है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये लोग फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, ये घटना होती है, इसी घटना के कारण ये दिखता है ऐसा। तो आगे चले हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं 88 पे। तो प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है, बिल्कुल सही। तरंग दैर्ध्य मतलब जो होगा वो ज़्यादा हमें उसकी होगी, ये दिखेगा। तो पराशब्द ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक होती है, यस। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, नहीं भाई ये गलत है, ये ऊर्ध्वपातन नहीं बल्कि ये वाष्पीकरण प्रक्रिया के तहत ये जो घड़े का जल ठंडा होता है वेपराइजेशन। तो ये तीन गलत हो गया, जिसमें तीन होगा वो गलत हो जाएगा, इसमें तीन है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये वाला सही है। आगे देखते हैं 89 में, 89 कह रहा है जनसंख्या पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो मेरे भाई कार्यशील जनसंख्या के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है जनसंख्या पिरामिड में, वो है 15 से 64 वायु समूह में, ये ऑप्शन नंबर डी। 90 वाले में देखते हैं हम लोग, 90 में कह रहा है लाइकेन के संबंध में, लाइकेन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। हमें पता है लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण वहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा होता है वहाँ ये नहीं उगते हैं, तो इससे पता लग जाता है जहाँ ये नहीं उगते हैं ये सेंसिटिव होते हैं ये पोल्यूशन के प्रति। तो ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक हैं, यस ये तो सही है। ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं, यानी शहरों से भी नहीं पाए जाते हैं क्योंकि शहरों में पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें 91 वाले में, इसमें क्या है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है। हमें पता है कि धन विधेयक को राज्यसभा केवल उसे 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, उसके बाद निर्णय देना ही होगा और उसके पास संशोधन करने या मना करने का अधिकार नहीं है, तो 14 दिन होगा, ऑप्शन डी। 92 देखते हैं हम लोग, देखें 92 में क्या कह रहा है, बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है और विचार करके हमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो पहले में दिया है जैव मंडली पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, बिल्कुल सही, ऊर्जा का प्रवाह केवल वन डायरेक्शनल होता है, द्वि डायरेक्शनल नहीं होगा, केवल वन डायरेक्शनल। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है, यस दोनों कथन सही है, यहाँ हमारे ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 हम लोग देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी प्रमुख सूफी संत थे, यस ये सही है। इनका जन्म बदायूं में हुआ था, यस। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है, यस। यानी तीन के तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी। अब देखें हम लोग 94 में, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना है, कह रहा है नहीं है अंडमान निकोबार की वह मूल निवासी नहीं है, तो रेंगमा, यहाँ रेंगमा जो है मेरे भाई ये नागालैंड, नागालैंड के ये मूल निवासी हैं, ये रेंगमा जो है अंडमान निकोबार के नहीं है, बल्कि ये जो हालचू शोम्पेन ओंजे ये सब अंडमान निकोबार के मूल निवासी हैं। 95 वाले में क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक गलत सुमेलित दिया है उसे बताना है। बोमडिला दर्रा है एक तरफ, इधर दर्रा दिया है दूसरी तरफ राज्य, बोमडिला दर्रा ये जो है अरुणाचल में है, यह सही है। नाथुला इसमें मेघालय दे दिया, मेघालय नहीं होगा मेरे भाई, यही गलत है, ऑप्शन बी। मेघालय ये जो है ये सिक्किम में है, सिक्किम में, तो जलेपा सिक्किम में, ये भी सिक्किम में है, ये मुलिंगला उत्तराखंड में। चले हम लोग अगले प्रश्न पे देखें, 96 में, 96 वाला क्या कह रहा है,
कथनों पर विचार करना है और विचार करके बताना है कौन सा चंबल नदी पर स्थित है। तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, ये तीन के तीनों मेरे भाई ये चंबल नदी पर स्थित हैं। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यही सत्य है। देखें हम लोग 97 में, देखें क्या कह रहा है। कथनों में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ किया जाता है? तो धब्बा रहित यानी स्टील, जो धब्बा रहित स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है वो क्रोमियम का, क्रोमियम का किया जाता है। 98 वाले में देखते हैं, तो हम लोग 98 वाले में थोड़ा सा इसको और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन पर वो आपको सही से दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, देखते हैं एक तरफ प्रमुख संस्थान दिया गया है, दूसरा तरफ उसका लोकेशन दिया है या कहाँ पर है। तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, ये जो है मेरे भाई ये है हैदराबाद में, ये 2 पर चला आएगा। और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है मैसूर में, ये तो मैसूर में चला आएगा। और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये है झांसी में, कहाँ है ये झांसी में है। तो और जो एक और बचा है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये जयपुर में चला आएगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन यहाँ बन रहा है, ए वाला 2 पर गया, बी वाला 1 पर आया, सी वाला 4 पे आया। तो इस हिसाब से हमारा 1 बन रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए। चले हम लोग अब अगले प्रश्न पे। यहाँ देखिए सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, यहाँ आप लोग जो है एकदम अच्छे से कम से देखिए। अब हमारा 99, अब हमारा मैथ और रीजनिंग के सवाल आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और कंसंट्रेट होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि मैथ रीजनिंग है। कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों की स्मिता के ऊपर से स्थान, उत्तीर्ण हुए लोगों में से, ये चीज़ याद रखिएगा, केवल उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का स्थान, स्मिता कोई लड़की है, इसका स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां था। 6 छात्रों ने इस परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्रों ने उसमें फेल हो गए, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है कि यहाँ जैसे ये कैसे कर लीजिए, स्मिता का स्थान ऊपर से 16वां था स्मिता का और नीचे से 29वां था, यानी नीचे से इधर कर लीजिए, नीचे से 29वां था, तो ये हो गया। अब कह रहा है कि जब हमें दोनों एक साइड से दोनों लोगों का स्थान मालूम हो तो हम दोनों को जोड़कर एक घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 16, 29 इन दोनों को जोड़ देंगे जब, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 45, और ये जोड़कर एक घटा देना है, 45 माइनस 1 में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 44, तो ये 44 हो गया। अब 44 लड़के केवल जो पास हुए थे ये उनकी लिस्ट है, अब इनमें से 5 ने अपनी जो है फेल हो गए थे और 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी थी, तो कुल कितने छात्र वहाँ पढ़ रहे थे? तो 6, 5, 11, ये 44, ये 55, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया, उत्तर यही होगा। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं, 100 वाला, देखते हैं क्या इसमें निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखें लुप्त संख्या हमें या तो इधर का देखना है या तो इधर का। हम लोग अगर इधर देखें तो 4, 2, 1, 21, अगर हम लोग इसका 4 का स्क्वायर करें 16, 2 का स्क्वायर करें 4, 16, 4, 20, 1 का स्क्वायर करें 1, 21, यस ये हमारा 21 आ रहा है, यानी ऊपर के इस सबका स्क्वायर करके जोड़ना है। इसी प्रकार से 25, 5, 5, 25, 3 ये हो जाएगा 34, 8, 64 ये 98, बिल्कुल सही। इसी प्रकार से ये हो जाएगा हमारा 36 उनचास ये और 3 ये 9, इस हिसाब से हम जोड़ेंगे तो हमारा 9, 6, 15, 15, 9 यहाँ 24 हो जाएगा, 2 हाँस बचा और 3, 4, 7, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 94, यस हमारा 1 ये यहाँ पर जो होगा ये 94 होगा। आगे चले हम लोग देखते हैं, ये देखें हम लोग, ये सवाल है रीजनिंग का, बढ़िया सवाल है, देखते हैं हम लोग इसको कैसे लगाते हैं। ए बी की बहन है, ये ए हो गया, ये तो बी की बहन है ये, और फिर कह रहा है सी बी की माँ है, तो सी जो है वो बी की माँ है, ये जो सी है ये माँ है बी की, तो ठीक। और डी सी का पिता है,
तो यहाँ डी रख लेते हैं, डी पिता है किसका, सी का, तो सी का पिता है। तो इस हिसाब से कह रहा है ए का डी का संबंध क्या है, ए का डी से क्या संबंध है। तो मेरे भाई ये दोनों तो मान लीजिए भाई बहन हो गए, ये इसकी माँ है, ये माँ का पिता है, तो माँ का पिता नाना होता है, तो ए का डी से क्या संबंध है, ये इसका या तो पोती या पोता, यही होंगे। इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन आएगा पोती बी हो जाएगा, 101 का हमारा। तो चले हम लोग अब अगले प्रश्न पे देखते हैं। रीजनिंग के सभी सवाल मस्त हैं, ऐसे ही सवाल आपको वहाँ मिलेंगे एग्ज़ाम में, ऐसे सवाल अगर आप किए रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। देखते हैं क्या है, विषम को चुनना है, आयतन लीटर में, दबाव बैरोमीटर में, ये गलत दे दिया है, लंबाई मीटर में, अवरोध यानी रेजिस्टेंस ओम में। ये दबाव जो नापा जाता है मेरे भाई वायुमंडल, ये जो बैरोमीटर है वायुमंडली दाब ये मापा जाता है बैरोमीटर से, दबाव जो है ये पास्कल में नापा जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही वाला गलत था, मतलब विषम था। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया है ये चेंजिंग करने वाला, कितना बढ़िया सवाल है, देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसे। यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का गुणा है, गुणा का प्लस और भाग का माइनस, तो इसे हमें इसको जो है सेट करना है। तो मेरे भाई 6 के जगह पर ये जो भाग है यानी भाग का हमें माइनस कर देना है, यहाँ दिया है ना भाग का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस कर दें, और यहाँ जो माइनस लिखा है माइनस का अर्थ हम लोग गुणा कर दें, और फिर यहाँ जो गुणा का अर्थ लिखा है यहाँ गुणा का प्लस कर दें, और यहाँ जो प्लस का अर्थ लिखा है यहाँ पर हम लोग भाग कर दें। तो 12 भागे 6 यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 6 माइनस 10 10 10 × 4 यहाँ पर हम लोग इसको 40 कर दें, क्योंकि ये जो गुणा है यहाँ 40 हो जाएगा, 40 और यहाँ प्लस, ये जो प्लस है हमारा प्लस 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ हम लोग ये प्लस है, ये प्लस है, और 40 माइनस में है, 40 प्लस 8, इस हिसाब से हमारा माइनस 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा बिल्कुल सही। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनना है, कौन सा सही विकल्प चुनना है जो सही होगा, सही विकल्प को चयन कीजिए। तो देखिए महासागर से रिलेटेड प्रशांत महासागर दे दिया है, यानी प्रशांत महासागर एक तरह का जो है महासागर है। उसी हिसाब से द्वीप जो है मेरे भाई, ये जो यहाँ पर द्वीप दे दिया है, तो उसी तरह का इसमें से कौन सा एक द्वीप है, जैसे यहाँ पर प्रशांत महासागर एक महासागर है, तो उसी प्रकार से कौन सा ऐसा लैंड है वो जो द्वीप है, तो यहाँ पर ग्रीनलैंड एक प्रकार का यहाँ द्वीप है, जो कि ये आयरलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, ये सब एक देश हैं। आगे चलें हम लोग, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। 105 में देखते हैं हम लोग क्या है, देखते हैं इसका संबंध इससे है तो इसका क्या होगा। तो देखें हम लोग यहाँ पर जो है ई एफ, यहाँ पर एक जोड़ा है प्लस एक, फिर यहाँ जी एच आई, यहाँ 2 जोड़ दिया है प्लस 2, आई की जगह यहाँ एल दे दिया है प्लस 3 कर दिया है, और के की जगह ओ दे दिया है प्लस 4 किया है, यानी 1 2 3 ऐसे करके जोड़ा है। तो एफ में अगर हम एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एफ ए बे सी डी ई एफ जी, जी हो जाएगा हमारा, एच के बाद हम 2 जोड़ेंगे एच आई जे बन जाएगा, जे में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा, और हम लोग एल में, एल का 12 होता है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो पी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बन के तैयार हुआ। तो इसी तरह से है यहाँ, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। देखिए ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये एक ट्रिक पर आधारित है, अगर इसे आप लोग इस तरह से लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से लगेगा। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें स्थान, बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है, तो कुल कितने लड़के थे। यहाँ देखिए ऐसे ये ए हो गया, ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, बी जो है वो दाहिनी ओर से जो है वे 9वें स्थान पर है। करा है जब ये लोग स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें पर हो जाता है,
तो दसवां यहाँ, ये दसवां लिखा है यहाँ, ये दसवें स्थान पर है। तब यहाँ पर जब ये बदल लेते हैं तो ये 15 हो जाता है। इसका मतलब बीच में कितने लोग हैं, 11, 12, 13, 14, यहाँ पर 15। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 15 यहाँ, 9 यहाँ, 15 9, यहाँ पर 24 हो गया, और एक उसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा 23 हो जाएगा। सी आंसर नंबर सी होगा। सातवां देखते हैं हम लोग, सातवें में क्या है हमारा, 107। बहुत ही अच्छा सवाल है ये सातवां का। इसे देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसलिए हम आपको, आप पर छोड़ देने, आप लोग इसे लगाइएगा। मैं आंसर इसका आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आंसर बी होगा। यहाँ पर जो आंसर नंबर इसका बी होगा, ये थोड़ा सा यहाँ स्क्रीन पर हो नहीं पाएगा, आप लोग लगाइएगा इसे। तो हम लोग 108वां देखते हैं पहले, देखें 108वें में क्या लिखा है। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि 10% वृद्धि हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। पहले आपको एक बात बताते हैं, वृत्त की त्रिज्या जो होती है, जो यहाँ पर जो है वृत्त की परिधि 2πr, और इसका जो है त्रिज्या होती है वृत्त की r, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जानी, जिसकी परिधि त्रिज्या जितनी बढ़ाओगे उसकी परिधि उतनी बढ़ती जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए, कोई वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला आप लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले हम लोग मान लें इसकी त्रिज्या पहले 10 रही होगी, तो 10 ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो 100π हो जाएगा, और फिर बाद में 10% बढ़ गई यानी बढ़कर 11 हो गया। जब ये फिर इस पर फार्मूला लगाएंगे तो 121π हो जाएगा। 121, अब मतलब 100 में 121 में इसका हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे तो 21% बढ़ा, कितना 21%। इसमें आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें हम लोग, ये देखें 109 में, 11 से 50 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं परंतु 3 से विभाज्य नहीं है। तो मेरे भाई ये सिंपल सा सवाल है, आप लोग लगा सकते हैं ऐसा, 11 से 50 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं 3 से नहीं। तो 7 का आप लोग टेबल पढ़ लीजिए, 11 के बाद से 7 दूनी 14 21 28 35 42 सॉरी हाँ 42 और 49। तो इस हिसाब से देख लिए, 3 से कौन कौन कट जा रहे हैं वो नहीं होंगे, तो 14 नहीं कटेगा, एक तो ये हो जाएगा, 21 कट जाएगा, 28 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा 3 से, 42 भी कट जाएगा, 49 भी नहीं कटेगा। तो 4 1 2 3 4, तो ये 4 होंगे, 4 संख्याएं ऐसी हैं जो नहीं कटेंगे 3 से, केवल 7 से कटेंगे। यहाँ पर देखें हम लोग 110 में ये दिया है, कैलेंडर का सवाल बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1906 दिन होगा। यहाँ आप लोग ये ट्रिक लगाया करिए, ये देखिए सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष, तो ये है सिंपल ईयर, सामान्य वर्ष है ये। सामान्य वर्ष का मेरे भाई पहला और अंतिम दिन बराबर होता है, यानी उसका 1 जनवरी और 31 दिसंबर उसका सेम दिन होता है सामान्य वर्ष का, लीप वर्ष का नहीं बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 31 दिसंबर को भी जो है वो संडे ही होगा, तो 1 जनवरी उसके एक दिन बाद होगा, तो संडे के बाद मंडे आ जाएगा सॉरी, तो यहाँ पर जो है सोमवार हो जाएगा, ऑप्शन बी 110 का। आगे हम लोग देखते हैं, अब देखिए हमारा यूपी स्पेशल से सवाल आ गया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरी जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है। अगर अधिकतम पूछा होता उत्तर प्रदेश में कौन सी, किसकी जनसंख्या सबसे मैक्सिमम है नगरी जनसंख्या, तो वो हो जाता मेरे भाई, आप सबको पता है, गाजियाबाद, गाजियाबाद हो जाता। लेकिन यहाँ पर सबसे जो है न्यूनतम पूछा है, तो सबसे न्यूनतम मेरे भाई श्रावस्ती होगा, ऑप्शन ए। बी में क्या है, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई। तो ये सब का हमें डेट मालूम होना चाहिए पहले, तो डेट मालूम रहेगा तो सभी तभी हम लोग कर सकते। देखिए जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948 में हुआ था, ये भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, तो इसका 1955 में हुआ था स्थापना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड, ये जो है इसका 1982 में हुआ था। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये 1964 में हुआ था। तो इस हिसाब से सबसे बाद में किसका हुआ था, ये 82 में,
नाबार्ड की। तो चलिए हम लोग 13 में देखते हैं। देखिए, एक मार्क गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो हमें पता है एक मार्क जो होता है वह जो है एक दिखाता है ना कि जैसे वो बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है कोई चीज़। तो ये जो एक मार्क गुणवत्ता और चिन्ह ये जारी करता है, तो ये ऑप्शन सी विपणन एवं निरीक्षक निदेशालय, ये जो मानक ब्यूरो है ये ISI मार्क जारी करता है, याद रखिएगा। आगे देखते हम लोग 14 में। राधा स्वामी पंत से संबंधित दयाल बाग स्थित है, तो कहाँ है ये? आगरा में, दयाल बाग। आगे हम देखें 15 में क्या है। देखिए हम लोग 15 में देखें, सभी के सभी जो है कथन महत्वपूर्ण हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ थोड़ा छोटा करें, ब्लर दिखाई दे रहा होगा आपको। उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, यस। वो नगर का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, सभी। तो ये ऑप्शन डी सही है। आगे हम लोग देखते हैं, देखें आगे क्या लिखा है इसमें। कथनों पर विचार करना है और विचार करके हमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो मेरे भाई पहला लिखा है, यहाँ पर पहला लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई, यस सही है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई, ये भी सही है। तो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। 17 में देखते हैं हम लोग क्या है। ये देखें मैचिंग वाला सवाल है, बढ़िया सवाल है ये। ये हम लोग देखते हैं पहले क्या है यहाँ पर। एक तरफ वन्य जीव बिहार का नाम दिया है, दूसरी तरफ उसकी लोकेशन दिया है। तो देखिए जो पटना, ये कोई बिहार का पटना नहीं है, पटना जो है एक वन्य जीव बिहार का नाम है जो यूपी के एटा ज़िले में है, पार्वती आरंगा गोंडा में है और चंद्रप्रभा चंदौली में, बांदा रानीपुर में। तो इस हिसाब से ए हमारा 4 पर और जो बी होगा वो 3 पर और सी होगा वो 2 पर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखें हम लोग, यहाँ पर हो सकता है आपको ब्लर दिखाई दे रहा हो, मैं पढ़ देता हूँ इसे। उत्तर प्रदेश का एक परमाणु संयंत्र नरौरा में स्थित है, यहाँ नरौरा लिखा है। नरौरा में कौन सा स्थित है? तो बुलंदशहर का एक परमाणु संयंत्र नरौरा, नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? बुलंदशहर में। तो हम लोग अब देखते हैं 19वां वाले में देखते हैं क्या है। एक कथन लहे कथन कराए कि भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, यस। जब जो भुगतान संतुलन के मौलिक में असंतुलन अनबैलेंस होता है तो वहाँ मुद्रा अवमूल्यन किया जाता है, यानी जो रुपए की वैल्यू होती है, मुद्रा की वैल्यू जानबूझकर घटाई जाती है। कारण इसका आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते, यस। यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा ज़िला है जो गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकों की प्रतिमाओं के लिए विख्यात है? तो ये महोबा का, महोबा में है ये। आगे देखते हैं हम लोग, जनवरी 2003 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नीरव डी शाह को, यानी नीरव शाह को, नीरव मोदी नहीं, नीरव शाह। 22वां देखते हैं, 122 करा कि जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो मेरे भाई जम्मू कश्मीर में यह किया गया है बेली सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण, चिनाब नदी पर जो जम्मू कश्मीर में है। आगे देखते हैं 23 में,
जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था ये जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन? 123वां का महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। तो ये हुआ था मेरे भाई नई दिल्ली में, भारत। तो आगे देखते हैं हम लोग 24वां क्या है। जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो ये किया गया जो है विशाखापत्तनम में, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं हम लोग जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत ने एवं किस देश के साथ मिलकर किया? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम के साथ। आगे हम लोग देखते हैं, हमारा एक प्रश्न यहाँ और है। यहाँ क्या कह रहा है? S20 शिखर सम्मेलन संबंध में कथनों पर विचार करना है। क्या है? जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक आयोजन पुदुचेरी में किया। यस, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोनों सही है। सत्ताईसवां में कह रहा है कि जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 85वां स्थान प्राप्त हुआ इसे। इसमें कह रहा है 28वें में कि जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो वो न्यूजीलैंड के। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तीसवां में क्या कह रहा है कि जनवरी 2023 के मध्य पूर्व में किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया? तो मेरे भाई संयुक्त अरब अमीरात, UAE ने। 31वां में क्या कह रहा है कि जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के राज्य इंदौर में किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय, सॉरी शिक्षा मंत्रालय नहीं, विदेश मंत्रालय। इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो अमृत उद्यान किया गया मुगल गार्डन का नाम। आगे है जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरो जोन अपनाने वाला 20वां देश बन गया? तो क्रोएशिया, ऑप्शन ए। तो जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन वन नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया है। 36 में देखते हैं, जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से एक फितूर फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्म का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मेरे भाई मैड्रिड स्पेन, या फोर्ट लुइस दुबई, या लॉन्स एंजल। ये 136वां का, तो हमारा ये यहाँ पर ये जो लिखा है फितूर फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्म का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो किया गया मेरे भाई ये मैड्रिड स्पेन में किया गया। आगे हम लोग देखते हैं इसमें 37 में क्या है। जनवरी 2023 में अपनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में कथनों पर विचार करें। इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया गया। यह सही है।
इस महोत्सव का आयोजन स्थल हुबली यानी कर्नाटक में किया गया था। सही है, इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत था। तो ये मेरे भाई इसमें दोनों सभी कथन सही हैं, डी हो जाएगा। 38 में क्या है, जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया। ये पीसीएस में भी आया था, जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 23 वाले में, उसमें भी ये सवाल था। तो आईएनएस वागीर था इसमें, इसका आंसर होगा कलवरी श्रेणी में कि वागीर ये सम्मिलित किया गया भारतीय नौसेना में। ये 39 में देखते हम लोग, एक तरफ दिया है पुस्तकों के नाम और दूसरी तरफ दिया है लेखक के नाम। तो नाउ यूथ फैब्रिक राखी कपूर ने लिखा है द गर्ल इन रोम 105, चेतन भगत ने लिखा है विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी ने। अब ये जो अ प्रॉमिस लैंड, ये जो लिखा है मेरे भाई, ये इसको लिखा है बराक ओबामा ने इसे लिखा है। 140वां एवं अंतिम को हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा है कि जनवरी 2023 में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन जो किया गया मेरे भाई, ये राउरकेला ओडिशा में किया गया है, और इसका एक नाम भी रखा गया है, जो नाम आप लोग हिस्ट्री जब पढ़े होंगे बिरसा मुंडा का नाम सुने होंगे, तो इन्हीं के नाम पर ये किया गया है। देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो हो गया मेरे भाई, हम लोगों का 140 प्रश्न था इस पूरे टेस्ट सीरीज में, जिसको हमने बहुत ही मेहनत से बहुत ही भली भांति इसको देख लिए हैं। तो चलते हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।